अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। तो आइए मश नंबर 50 के सवाल नंबर 4 में तौसी के जाब्ते की मदद से कीमत मालूम करेंगे। आपको एक नंबर दिया हुआ है 997 हौस का स्क्वायर। आपको तौसी के जाब्ते की मदद से इस नंबर की कीमत मालूम करनी है। तो आपको इस नंबर को ए और बी की सूरत में सबसे पहले लिखना होगा। तो चलिए हम इसको ए और बी की सूरत में लिखते हैं। ए और बी की सूरत में लिखने के लिए सबसे पहले इसकी तौसी करनी पड़ेगी 997। अगर हम 1000 में से 3 तफरीक करते हैं तो हमें 997 हासिल होता है। अभी ये ए और बी की सूरत में आ गया है। तो चलिए ए नफी बी कॉस की कुव्वत 2 का हम यहाँ पर जाब्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। ए नफी बी कॉस की कुव्वत 2 बराबर है, आपको तो फॉर्मूला पता है, ए की कुव्वत 2 नफी 2 ए बी जमा बी की कुव्वत 2। तो चलिए यहाँ पर ए 1000 है और बी 3 है, जब जब ए आएगा तब 1000 रखेंगे और बी की जगह पर 3। तो चलिए ए 1000 नफी बी 3 की कुव्वत ब्रैकेट की कुव्वत 2 बराबर है फिर से 1000 की कुव्वत 2 नफी 2, इनके बीच में ज़र्ब रहता है, ज़र्ब 1000 ज़र्ब 3 जमा 3 की कुव्वत 2। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। 1 का मुरब्बा 1 और ये 0 को, जब 0 का मुरब्बा निकलता है तो जितने 0 हैं उनके डबल हो जाते हैं। अभी यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे, तो ये हो गया 1000000। नफी 3 दोनी 6 और ये 1000, इनका ज़र्ब होने पर जवाब आएगा 6000 जमा 3 का मुरब्बा 9। अब हम इसको हल करते हैं, इनकी तफरीक करने पर हमें एक नंबर हासिल होगा 994000। उसमें हमें 9 जमा करनी है। जब हम 994000 में 9 जमा करेंगे तो हमें 994009 ये एक अदद मिलेगा, उसकी कीमत हमें मालूम होगी। इस तरह से हमने दिए हुए नंबर की तौसी की। तो चलिए अब हम दूसरी मिसाल देखते हैं जिसमें आपको 102 हौस की कुव्वत 2 दिया हुआ है। तौसी की मदद से इसकी कीमत हमें मालूम करनी है। तो जैसा कि आपको पता है इसको भी हमें ए और बी की सूरत में लिखना होगा। 102 को जब हम ए और बी की सूरत में लिखेंगे तो 100 जमा 2 ब्रैकेट की कुव्वत 2 कॉस की कुव्वत 2, 100 में जब 2 मिलाएंगे तब 102 हासिल होगा। तो चलिए अभी जमा का जाब्ता इस्तेमाल करेंगे। ए जमा बी कॉस की कुव्वत 2 बराबर है ए की कुव्वत 2 जमा 2 ए बी जमा बी की कुव्वत 2। तो चलिए हम जाब्ते में कीमतें रखते हैं। ए यहाँ पर है 100 जमा बी है 2 कॉस की कुव्वत 2 बराबर है, ए की जगह पर रखेंगे 100 की कुव्वत 2 जमा 2, इनके बीच में ज़र्ब होता है, ए 100 दिया हुआ है, ज़र्ब बी 2 जमा बी की कुव्वत 2 यानी 2 की कुव्वत 2। तो चलिए 100 की कुव्वत 2 यानी 1 का मुरब्बा तो 1 ही रहेगा, इन सिफर 2 सिफरों को डबल करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये 2 का मुरब्बा 2 सिफर के 4 सिफर हो जाएंगे, ये आ गया है 10000 जमा, इनकी ज़र्ब करनी पड़ेगी 2 दूनी 4, 4 को ज़र्ब करो 100 से 400 जमा 2 का मुरब्बा 4। तो चलिए हमें इन सब की जमा करनी है। 10000 में 400 जमा करेंगे 10, फिर उसमें 4 तो इसका जवाब आएगा 10404। 100 जमा 2 कॉस की कुव्वत 2 का जवाब आया है 10404। इस तरह से हमने तौसी के जाब्ते की मदद से दी हुई कीमत दी हुई
मिसालों की कीमतें मालूम की है।